हम यहां अभी इस वक्त अवनी रामलिंगेश्वर मंदिर में हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का मुख्य हिस्सा 2010 साल पहले बनाया गया था, पर मंदिर का बुनियादी हिस्सा जरूर बहुत पुराना होगा, क्योंकि ये मंदिर तब बनाया गया था जब श्री राम ने श्रीलंका में जाकर रावण का वध किया था और वे सीता को लेकर वापस आए थे। वापस आते समय उन्होंने शायद यहीं विश्राम किया था और यहाँ के लोगों ने ये मंदिर बनाया था, और तीनों के लिए यहाँ एक एक मंदिर है, एक राम के लिए, एक लक्ष्मण के लिए, और अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं वो लक्ष्मण लिंगेश्वर मंदिर है, एक सीता के लिए, एक शत्रुघ्न के लिए, और उन सभी ने युद्ध से वापस आकर यहीं विश्राम किया होगा। और कम से कम यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि सीता ने लव और कुश को यहीं जन्म दिया था। एक अलग स्थान है जिसे वे लव कुश जन्मभूमि मानते हैं, तो ये कहा जाता है, पर यह एक शानदार मंदिर है जिसे एएसआई संभालती है। ये काफी साफ और अच्छा है, पर इसकी जीवंतता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि मुख्य देवता आज भी अद्भुत हैं, पर काफी कुछ करना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर को बस खड़ा रखना ही जरूरी नहीं होता, मंदिर की ऊर्जा स्पंदित हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मंदिर का पत्थर वाला हिस्सा काफी अच्छी स्थिति में है, पर वहां ऊपर जो कुछ भी ईंट और चूने से बनाया गया था वो खराब स्थिति में है। ये हालांकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हाथों में या कंट्रोल में है। हमें समझना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इमारतों के जानकार लोग हैं, वे इमारतों को संभालना जानते हैं। उन्होंने देश में कई स्तरों पर काफी अच्छा काम किया है, पर निश्चित रूप से उन्हें किसी मंदिर को जीवंत बनाए रखने की ट्रेनिंग नहीं मिली है।